कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। बेटा मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, सिर्फ एक बार इस वीडियो को आज देख लो, आने वाले अगले चार दिनों के अंदर अगर जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं तुम्हें पूरे 25 लाख का जुर्माना दूंगा। परंतु हमारा बस इतना सा शर्त रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं उन सभी बातों को बस आपको अंत तक ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि आप समझ गए तो आप अपने जीवन में इतनी तरक्की और कामयाबी को हासिल करने वाले हो कि आपका जलने वाले सभी दुश्मन जल झल कर राख हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये घटना आपका जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों यह जो घटना आपके साथ होने वाला है यह घटना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। यह घटना आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। जी हां प्यारे दोस्तों, आज का यह घटना आपके लिए इतना शुभ और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक अद्भुत शक्ति का चरण पड़ने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, 24 घंटे के अंदर एक देवता का चरण आपके घर हर आंगन में पड़ने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो देवता आपके घर में अगले 24 घंटे के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, यह देवता पिछले 7 सालों से आपके घर परिवार के ऊपर नजर बनाए रखे और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं हुआ है, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस देवता ने आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाला है। है इस देवता ने आपका बहुत साथ दिया है, इसीलिए आप और आपका परिवार है सही सलामत है। वरना प्यारे दोस्तों, आपका घर परिवार उजड़ गया रहता है, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका घर को बर्बाद करने के लिए एक तांत्रिक बाबा ने जादू टोना किया था। आपका घर में आग लगाने के लिए आपका दुश्मन ने तांत्रिक बाबा से मिलकर यह जादू टोना करवाया था, लेकिन इस देवता के कारण आपका दुश्मन का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया है। प्यारे दोस्तों, अगर इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहता, अगर यह देवता आपको इस माया जाल से नहीं बचता, तो आज आपका पूरी तरह से जीवन बिखर गया रहता। आपका परिवार रोड पर भी मांग रहा था और आप भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। प्यारे दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर इस देवता का कृपा बना हुआ है, जो आपके ऊपर इस देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस देवता का आशीर्वाद जब तक आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब तक इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका दुश्मन हमेशा यही सोचता है कि आपको किस तरह से गड्ढे में धकेल के गिराया जाए, किस तरह से आपको परेशानी में डाल दिया जाए, और इसीलिए आपका दुश्मन हमेशा किसी ना किसी तांत्रिक बाबा से मिलते रहता है और आपके घर परिवार के ऊपर जादू टोना करवाते रहता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा करके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परंतु प्यारे दोस्तों, अगर आप दुश्मन से थोड़ा सावधान रहते हैं, थोड़ा सा तर्क रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप इस नाम का व्यक्ति से रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इसी नाम का व्यक्ति से आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिलता है। यह व्यक्ति हमेशा आपकी सफलता में टांग अड़ता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बना लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते हैं, इस नाम का जो दुश्मन है कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप इस नाम के व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं, इस नाम का व्यक्ति आपका पड़ोसी ही है। नाम सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, जब आप अपना दुश्मन का नाम सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यही वह व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इस व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं
कि यह व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि यह व्यक्ति आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा आखिरी तक देखना। प्यारे दोस्तों, यह बात आपको अच्छे से पता होगा कि दुश्मन कोई और नहीं होता है, आपका अपना ही होता है। जब आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करती है और उस व्यक्ति से आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है। वह कभी नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे बढ़े, वह कभी नहीं चाहता है कि आप अच्छा जीवन जिए। इसलिए प्यारे दोस्तों, वह व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है और आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाने लगते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, कभी किसी व्यक्ति पर इतना भी भरोसा मत करो कि वह व्यक्ति आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर दे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपका भरोसे का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। आप उस व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और वह व्यक्ति आपसे एक एक करके सभी राज्य की बात जान लेते हैं कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, अगला कदम आपका क्या होने वाला है, कौन सा क्षेत्र में आप अपना कदम रखने जा रहे हैं। यह सारी बातें जानकर आपके ऊपर तांत्रिक बाबा से जादू टोना करवाता है और आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद है, इसीलिए आपका दुश्मन कभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई बार साधु बाबा से जादू टोना करवाया है, लेकिन आपका दुश्मन कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि महादेव जी ने आपको हर बार बचा लिया। इसलिए प्यारे दोस्तों, महादेव जी का शुक्रिया अदा जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आपका जो दुश्मन है, उस व्यक्ति का नाम आर अक्षर से शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जीन का नाम आर अक्षर से शुरू होता है, तो उनसे दूरी बना ले। प्यारे दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि यह बाहरी ताकतों का परिणाम है, लेकिन कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि कई बार हमारे करीबी ही हमारे सबसे बड़े गद्दार साबित होते हैं। आपके जीवन में भी तीन ऐसे गद्दार हैं जो आपके करीब हैं। इन गद्दारों ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है। जब बागेश्वर बाबा ने आपके बारे में देखा, तो वह भी हैरान रह गए। इन गद्दारों के नाम जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। इनमें से एक व्यक्ति आपके घर में रहता है, जबकि दो अन्य आपके करीबी रिश्तेदार हैं। यह तीनों मिलकर आपके परिवार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहला गद्दार आपके परिवार का सदस्य है, जिसे आपने हमेशा भरोसे के लायक समझा, लेकिन यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे और तीसरे गद्दार आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि इन गद्दारों का पर्दाफाश करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह लोग आपके जीवन को कठिन बना रहे हैं। आपको इनकी पहचान करनी होगी और इनके खिलाफ कदम उठाने होंगे। पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ, वह अब होने वाला है। इन गद्दारों ने आपके परिवार को विभाजित करने और आपके जीवन को बर्बाद करने की योजना बनाई है। इस स्थिति में आपको सतर्क रहना होगा। इन गद्दारों की पहचान करें और उनके खिलाफ सही कदम उठाएं। अगर आपको किसी पर संदेह है, तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार और प्यारे दोस्तों का सहयोग इस समय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनसे सलाह लें। भगवान पर भरोसा रखना भी जरूरी है, क्योंकि वे हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं। इन गद्दारों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो वे आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करें और उचित कदम उठाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्थिति सुधर सके। आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर यह लोग आपको कह दें कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है, तो आप उनकी बात मानकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वास्तव में वह जहर हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आपके खिलाफ काले जादू और टोने टोटके करवा रखे हैं। आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इनके प्रभाव में हैं।
आपको जल्द ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोग अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वे आपके साथ एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। मैं उनके नाम और पहचान आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप अभी तक इन गद्दारों का नाम नहीं जानते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि बहुत देर हो सकती है। कृपया मूर्खता वाले कार्य ना करें और ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली जरूर लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अब जानते हैं कि वह कौन तीन दुश्मन हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं। मैं रोजाना इतनी मेहनत करता हूं और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम लाता हूं, इसलिए कृपया ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें। आइए माता जी का नाम लेकर इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपकी एक कमजोरी यह है कि आप भविष्य की चिंता में अपने आज को भुला देते हैं। आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि भविष्य तभी अच्छा होगा जब आपका आज अच्छा होगा। अगर आप आज खुश हैं तो भविष्य भी खुशनुमा होगा। आप बीते हुए कल को लेकर परेशान होते हैं, चाहे आपने कुछ खोया हो या कोई कठिनाई झेली हो, लेकिन जीवन तब सार्थक होगा जब आप वर्तमान क्षण का आनंद लेंगे। जीवन बीते हुए कल में नहीं है और ना ही आने वाले कल में, बल्कि वर्तमान क्षण में है। अगर आज आप एक झोपड़ी में हैं तो भी खुशी से रहिए, क्योंकि महलों में रहने वाले भी अपने दुखों से ग्रस्त हो सकते हैं। जीवन इसी क्षण में है, इसलिए इसे पूरी तरह जिए। कल की चिंता छोड़कर आज को जिए, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं। अब चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए। जब बाघ स्वरधाम सरकार के बाबा जी ने आपके बारे में देखा तो उन्होंने भी हैरानी जताई। आपके सबसे खतरनाक तीन दुश्मनों के नाम सामने आए हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके घर की छोटी से छोटी चीज से लेकर आपके घर के लोगों की गतिविधियों तक इनकी निगाहें 24 घंटे आपके घर पर रहती हैं। जब भी इन लोगों को मौका मिलता है वे अपनी चाल चल देते हैं। वे आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवा रहे हैं। इन दुश्मनों को आपकी तरक्की से जलन है और वे आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके घर में पहले से ही इनके प्रभाव में हैं और अब वे आपके घर पर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, जिसके कारण आपके घर के लोग इनके कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो भी कहता है आपके घर के लोग उसकी बात मानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। यह दुश्मन आपके आसपास ही है, वह आपकी थाली में ही बैठता है और उसी थाली में छेद कर रहा है। आपकी कुंडली और सितारों के आधार पर मैं अब आपके सबसे बड़े तीन दुश्मनों के नाम बताऊंगा। पहले दुश्मन का नाम सुनकर आपको बड़ा धक्का लगेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वह सच है। आपको सलाह है कि इन दुश्मनों से तुरंत संबंध तोड़ लें, चाहे यह आपका सगा भाई हो या बहन। रिश्ते की गहराई कोई मायने नहीं रखती, आपको इनसे नाता तोड़ना होगा। अब आपके दुश्मनों के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक दुश्मन आपके घर में ही रहता है और बाकी दो दुश्मन आपके करीबी रिश्तेदार हैं। आपने इन पर पूरी तरह से भरोसा किया है और इनसे आपकी गहरी जान पहचान है। आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में दुश्मनी बहुत कम है और आपके दुश्मन भी आपके अपने ही हैं। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। ये दुश्मन आपकी आदतों और आपके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम का लिखा पत्थर का लकीर होता है, इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम का लिखा कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाला है सुनकर आपको पूरा शरीर कांपने लगेगा तथा आपका नींद और चैन दोनों उड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपको बता दें, इतना बड़ा खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। जी हां प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम जी ने आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है।
प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो घटना होने वाला है वह घटना कोई ऐसा वैसा घटा नहीं है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो घटना आपके जीवन में होने वाला है उससे आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा और भयंकर चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन का अंतिम समय आ चुका है। अब आपका दुश्मन का मनमानी नहीं चलेगा। दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत जुल्म कर लिया है, अब और नहीं। अब दुश्मन का बुरा समय शुरू होने वाला है और आपका अच्छा समय की शुरुआत होने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस समय को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना, नहीं तो प्यारे दोस्तों जिंदगी भर पछताते रहोगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर होने वाला है, ऐसा संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, कौन कौन सा बड़ा चमत्कार आपके साथ होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि आपके लिए ऐसा कौन सा शुभ संदेश लेकर आए हैं जिससे आपका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला है। सब कुछ आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हैं अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा झटका आपको लगने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने आपके पक्ष में बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और सबसे जरूरी बात यह, बड़ा बदलाव आपके हित में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत भारी नुकसान अब आपको होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में कौन कौन सी घटना घटित होने वाला है और कौन कौन सा खुशखबरी आपको मिलेगा, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल अकेले में देखना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपको धन दौलत रुपया पैसे गाड़ी बंगला किसी भी चीज की कमी नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। प्यारे दोस्तों, महा बेवकूफ होगा जो आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को अगर आज शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखते हैं तो आप जिंदगी भर रोते रहोगे। प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, मैं जो भी बात कहता हूं सच कहता हूं, मेरा बात मजाक समझने की भूल मत करना। प्यारे दोस्तों, कलयुग की सारी खुशियां अब आपको मिलने वाला है, कलयुग का राजा आप बनेंगे, ऐसे बड़ा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका हर वह सपना सच होने वाला है जिसके लिए आप कभी कल्पना भी नहीं होंगे। कुछ इस प्रकार का आपके लिए समय का निर्माण हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अब आपको कलयुग की सारी खुशियां एक झटके में मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते हैं, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशियां आपको मिलने वाला है, ऐसी खुशी 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय को बर्बाद मत करना, इस समय कुछ सही से उपयोग करना। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग कार्य, सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए अब आपका किस्मत का बल्ले बल्ले होने वाला है। अब आप जो चाहेंगे वह चीज एक झटके में हासिल कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय अवधि में आप मिट्टी को छुएंगे तो सोना बन जाएगा, ऐसा समय का निर्माण आपके लिए हो चुका है। प्यारे दोस्तों, मुझे पता है
आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किए हैं, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेले हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको जिंदा करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन का सर दुख दर्द समाप्त होने वाला है, आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आज से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा, 5 बड़े सपने सच होंगे। साथ ही प्यारे दोस्तों, यह एक घटना 100 पर होकर रहेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी जिंदगी सूरज की तरह आप चमकने वाला है। सच्चाई सुनकर आपका दोनों आंखों से खून का आंसू बहेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को अचानक उम्मीद से ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति हो जाता है तो उनके आंखों से खुशी का आंसू निकलने लगता है, और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ भी होने वाला है। प्यारे दोस्तों, यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई ऐसा वैसा ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है, यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसीलिए मेरा आपसे यही सलाह रहेगा कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी तक देखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए जो महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं, ऐसा महत्वपूर्ण खबर आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जान आपको देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपका दिमाग झंझना उठेगा। जी हां मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपका यह 5 सपना हर हाल में 24 घंटे के अंदर पूरा होगा, जो आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। साथ ही प्यारे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस चैनल का फैमिली बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका किस्मत का पलटवार बहुत भयानक होने वाला है। आपका किस्मत का पटवार कुछ इस प्रकार होने वाला है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे और आप एक झटके में रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, अब आपको जो बड़ी तरक्की की मिलने वाला है, इसे देखकर आपका दुश्मन भी ताली बजाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपका जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी तूफानी खबर अब आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका राष्ट्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने वाला है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगा कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक देवी शक्ति प्रकट करने वाली है। जी हां प्यारे दोस्तों, एक देवी मां आपके घर आने वाली है। सिर्फ अगले 24 घंटे के अंदर यह देवी मां आपके घर आएगी और आपको करोड़ों का धन संपत्ति और संपदा दे जाएगी। लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी आपको रखनी होगी, जो आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आखिर यह देवी कौन है और क्यों यह देवी आपके घर आ रही है? क्या आपने कोई ऐसी गलती की है जिसका सजा आपको देने के लिए आ रही है, या फिर आपका किस्मत चमकने आ रही है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। वह शर्तें आपको ज्योतिष कार्यक्रम पूरा अंत तक देखना होगा। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप धन से मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह देवी माँ कोई और नहीं, धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो आपके घर आ रही है। प्यारे दोस्तों, आपका दुख तकलीफ देखकर, आपका गरीबी देखकर, आपका कंगाली देखकर, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है और अब आपको करोड़पति बनना चाहती है। धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको करोड़ों का धन संपत्ति देना चाहती है। धन की देव माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपको हर वह खुशियां मिलने वाला है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें,
आप आपका बाद से बड़ा सपना एक झटके में पूरा हो जाएगा। ऐसा कृपा धन की देवी माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हर उसे चीज मिलेगा जिसके लिए आप कभी कल्पना भी नहीं किए थे। इसलिए पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। ढोल और नगाड़ा बजाकर पूरे गांव मोहल्ले के लोगों का मुंह मीठा करना होगा। ऐसी बड़ी कामयाबी आप मिलने वाला है। अब हर तरफ आपका ही नाम गूंजेगा, गली मोहल्ले में आपका ही चर्चा होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से खुशखबरी ही इतना बड़ा आपको मिलने वाला है। अब चिट और पट दोनों आपका होगा। कहने तात्पर्य यह है कि आप जिस भी क्षेत्र में अपना हाथ डालेंगे उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में अपना कदम रखेंगे उस क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगा। आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे वह चीज आपका हो जाएगा। ऐसा भयानक बदलाव और परिवर्तन आपके साथ होने वाला है। अब सारी दुनिया देखेगी आपका जलवा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सारी दुनिया में अब आपका ही बोलबाला होगा। जहां जाएंगे वहां आपका ही चर्चा होगा। जो लोग आपसे बात नहीं करते थे वे लोग भी अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। इतनी बड़ी कामयाबी अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी कामयाबी आपका जिंदगी को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकता है। इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 लाख रुप का लॉटरी आपका नाम से लगने वाला है। ऐसा संकेत गृह गोचर से मिल रहा है। ये बात मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कहता हूं कि आपको यह 8 लाख रुप मिलकर ही रहेगा, लेकिन मैं ये बात अवश्य कहूंगा कि आपकी राशि में से किसी एक राशि के जातक को 21 लाख का लॉटरी जरूर लगेगा और 21 लाख का इनाम मिलेगा। इस बात की गारंटी है। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक खास ज्योतिष कार्यक्रम आ चुकी है जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखने से आपके जीवन की सारी समस्याएं और दुख दूर हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में गरीबी और पैसों से जुड़ी तंगी है तो आपको यह काम तुरंत कर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, घर में रखी हुई बेकार वस्तुओं को बाहर निकाल देना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आएगी, काम बनेंगे और रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। हम सभी मेहनत करते हैं और सफलता पाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी मेहनत के बावजूद हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसका एक कारण हमारे घर में रखी नकारात्मक वस्तुएं हो सकती हैं, जो गरीबी और तंगहाली का कारण बनती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से निकाल देना चाहिए। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। हम जानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इन वस्तुओं को घर में रखने से दुर्भाग्य, गरीबी और तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको 10 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपके घर में हो तो उसे तुरंत हटा दें, ताकि आपके घर में समृद्धि और लक्ष्मी का वास हो सके। चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। पहली चीज है पुराने या फटे हुए कपड़े। फटे पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें दान कर देना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके घर में पुरानी या फटी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि कपड़े, तो इन्हें किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहिए या इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा ना करने पर यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। घर में नकारा ऊर्जा से बचने के लिए ऐसी वस्तुओं को पोटली में बांधकर रखना उचित नहीं है। दूसरी बात, देवी देवताओं की पुरानी या फटी तस्वीरें और मूर्तियां भी घर में ना रखें। अगर किसी देवी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गए हैं तो उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पुरानी तस्वीरों और मूर्तियों को रखने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। मूर्ति और चित्र को एक ही स्थान पर और सही संख्या में रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष कम होगा। इसके अलावा घर की छत पर अगर गंदगी या फालतू सामान पड़ा हो तो इसे तुरंत साफ करना चाहिए। छत पर गंदगी होने से पैसों की तंगी और परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। कई लोग देवी देवताओं के पास से तांबे की वस्तुएं या अंगूठियां ले आते हैं और उन्हें घर में इधर उधर रख देते हैं।
लेकिन इनका बिना सही जानकारी के उपयोग से नुकसान हो सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना उचित रहेगा। यदि आपके पास तांबे की कोई वस्तु है जिसे आप गले में नहीं पहनते और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना उचित होगा। अब पांचवी बात पर आते हैं। घर में टूटी फूटी वस्तुएं रखने से भाग्य पर असर पड़ता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, यदि वह टूटी फूटी या गैर जरूरी है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। इन वस्तुओं की वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे लक्ष्मी का आगमन रुक सकता है। खासकर कांच और चीनी के टूटे बर्तन तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। छठी बात, घर में ताजमहल, डूबती नाव, फव्वारा, जंगली जानवरों या कांटेदार पौधों की तस्वीरें ना लगाएं। यह चित्र नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और जीवन में सुखद घटनाओं को रोक सकते हैं। अगर ऐसी तस्वीरें घर में हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। सातवीं बात, टूटी फूटी अलमारियां भी घर में नुकसान का कारण बन सकती हैं। ऐसी अलमारियां पैसे की हानि का संकेत हो सकती हैं और घर के कामकाज में रुकावट डाल सकती हैं। यदि अलमारी टूटी हुई है तो उसे ठीक कराएं या घर से बाहर फेंक दें। आठवीं बात, मकड़ी के जाले घर में अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले को तुरंत हटा दें, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकते हैं और घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपके घर की छत या किसी कोने में मकड़ी का जाल हो तो उसे तुरंत हटा दें। अब हम सातवीं बात पर आते हैं। टूटी हुई कुर्सियां और टेबल घर में तरक्की को रोक सकती हैं। अगर आपके घर में कोई टूटी हुई टेबल या कुर्सी है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसी वस्तुएं आपके पेशे और विकास को प्रभावित कर सकती हैं। आठवीं बात, घर में घड़ी का भी विशेष ध्यान रखें। खराब या खराब घड़ी प्रगति को रोक सकती है। अगर आपके घर में कोई खराब घड़ी है तो उसे ठीक कराएं या बाहर फेंक दें। इन चीजों को घर से निकालने से आपके जीवन में सुधार हो सकता है और लक्ष्मी का वास हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर एक और बड़ा भयानक बदलाव आपके साथ होने वाला है। यह बड़ा भयानक बदलाव आपका किस्मत बदल के रख देगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जीवन में कभी भी यह एक काम मत करना, आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल उठेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होता है। अगर आपके पास माता पिता है तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। प्यारे दोस्तों, माता पिता का साया जब तक आपके सर पर रहेगा, तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके सर पर माता पिता का आशीर्वाद है तो आप सारी दुनिया से लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, माता पिता का साया आपके ऊपर नहीं है, तो सारी दुनिया जीत कर भी आप हार जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता कभी भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें। हमेशा अपने माता पिता को खुश रखने का प्रयास करें। कभी भी कोई ऐसा वाणी माता पिता के सामने ना बोले जिससे माता पिता को दुख हो। प्यारे दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। आपका जीवन कमल की तरह खिल उठेगा। आपको बधाई हो, आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। अब आप बड़ी खुशखबरी और एक नए सफर के लिए तैयार हो जाइए। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, जो आपके भाग्य को नया मोड़ देंगे। आपकी जानकारी के लिए शनिदेव ने आपके लिए बड़ा फैसला लिया है। उनके आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको 5 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। शनिदेव के साथ साथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके लिए एक बेहद शुभ समय आ रहा। इस समय आपको बड़ी धन लाभ और सफलता मिल सकती है, जिससे आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए सतर्क रहे और किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें। ज्योतिष कार्यक्रम देखने से पहले कृपया इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार शनिदेव जी का नारा लगाएं। इससे आपके दुख और समस्याओं के साथ साथ आपके दुश्मनों का भी अंत होगा। इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि काल सर्प योग, शनि शश योग भाग्यवान, योग सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग और धन योग। इन योगों के प्रभाव से आपको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ होगा। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें।
दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से अगले 4 दिनों का समय बेहद ही खास और चमत्कारी साबित होने वाला है और आप अगले 24 घंटे के अंदर किया चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। प्यारे दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से हम अगले 24 घंटे के राशिफल पर चर्चा करेंगे। भगवान शनिदेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आज का दिन आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले, जिनकी मानसिक स्थिति आजकल थोड़ी विचलित चल रही है, उन्हें सलाह दी जाती है कि आप अपने मन को शांत रखें। माता पार्वती के आशीर्वाद से आज आपके मन में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप अपने विचारों को एक नई दिशा में ले जा सकेंगे। ध्यान और प्राणायाम जैसे उपाय आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी आज कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके परिवार के सदस्य एकजुट रहेंगे और आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। माता पार्वती के आशीर्वाद से आप परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें आज नए अनुबंध या समझौते मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। हालांकि आपको अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना चाहिए और किसी को बिना आवश्यकता के न बताएं। आपके प्रेम जीवन में भी आज कुछ खास हो सकता है। जिनके रिश्ते में कुछ समस्याएं चल रही थीं, उन्हें भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से समाधान मिल सकता है। माता पार्वती के आशीर्वाद से आपका साथी आपको समझने की कोशिश करेगा और रिश्ते में फिर से मिठास आ सकती है। अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन उत्तम हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है। माता पार्वती की कृपा से आपको अध्ययन में सफलता मिलेगी और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आज शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। माता पार्वती और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करें। कोई भी लापरवाही आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सजग रहें और अपने शरीर का ख्याल रखें। व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए कुछ नया लेकर आ सकता है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं जो आपकी प्रगति में सहायक होंगे। माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे, जिससे आपके करियर में उन्नति की संभावना है। अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन विशेष हो सकता है। माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन साथी के रूप में कोई विशेष व्यक्ति मिल सकता है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका रिश्ता स्थायी और सुखद होगा। सामाजिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए उत्तम है। माता पार्वती के आशीर्वाद से आप समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे और आपके कार्यों की सराहना होगी। भगवान शनिदेव की कृपा से आप अपने सामाजिक दायरे में नए मित्र बना सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। माता पार्वती और भगवान शनिदेव की कृपा से आप अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करेंगे। आज आप ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। प्यारे दोस्तों, यह दिन आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। भगवान शनिदेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकेंगे और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।